वेलकम टू यकूब टेक्निकल ट्रैक्स। तो यकूब टेक्निकल ट्रैक्स में खुश आमदीद दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं टेंडा एफ थ्री की कॉन्फ़िगरेशन। तो आप किसी नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करेंगे और नेटवर्क से कनेक्ट करके आप अपना यूज़र अकाउंट जो होता है कंपनी का दिया गया होता है, वो किस तरह से आप टेंडा एफ थ्री में वेलनेस के तरह यूज़ कर सकते हैं, तो अब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये आप दोस्त देख सकते हैं कि मेरे पास टेंडा एफ थ्री मोबाइल पे कनेक्ट है, तो अभी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्रोम में आ जाना है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है ना, वो होती है 01 वाली 192.168.0.1 वाली, सॉरी, ये होती है इसकी। हाँ, यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं कि फैन पोर्ट अनप्लग आ रहा है कि क्योंकि इसी में कोई भी तार वगैरह कोई भी नहीं लगी हुई। हमने ऐसे टेंडा एफ थ्री को जो है ना वायरलेस से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले ऊपर तीन डॉट पे आ जाना है। यहाँ पे आके इधर वायरलेस पे, वायरलेस रिपीटिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है WISP, इस पर क्लिक करना है। तो जब ऐसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसमें जो नेटवर्क होंगे सभी आपको दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर टोटो लिंक भी शो हो रहा है, नीचे देख सकते हैं आप यकूब मोबाइल शॉप भी शो हो रहा है, यकूब खान डॉट नेट भी शो हो रहा है, नीचे उसके टेंडा भी आ रहा है। तो हमें एक नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो अभी इस जिस नेटवर्क से कनेक्ट होना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें होना है इससे यकूब मोबाइल शॉप से, जो नंबर से है 0300 वाला, ये 92 इसके सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल इधर शो होंगे। तो इसको क्लिक करना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये आपकी जो डिवाइस है रीबूट होगी, बंद होके दोबारा ऑन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से डिसकनेक्ट हो गई है वाईफाई, क्योंकि रीबूट होने के बाद ये डिसकनेक्ट होगी। दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल के साथ। ये और डिवाइस है टोटो लिंक जो कनेक्ट हो गई है वो और है, ये है बुखारी हाउस वाली है, इसको कनेक्ट करने है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम। तो बुखारी हाउस हमारे से कनेक्ट हो गई है, तो उसके बाद दोबारा से क्रोम में आ जाते हैं। क्रोम में दोबारा आ गए हैं और तीन डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग है, तो इंटरनेट सेटिंग में आप देख सकते हैं डायनामिक और स्टैकिंग आईपी आ रही है और पीपीओ आ रही है। तो हमें कंपनी ने जो अकाउंट दिया हुआ है ना पीछे से, तो वो PPOE ये होता है, तो इसमें हम अपना अकाउंट डायल करेंगे। तो कंपनी ने जो हमें दिया हुआ है पीछे से यूज़र, तो नंबर दिया हुआ है, इसमें नंबर देना है, आपका कोई भी हो सकता है, नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो हमें ये नंबर से बना के दिया हुआ है अकाउंट, तो इसमें नंबर देना है। ये सेम दिया गया है पीपीओ पे, नीचे भी नीचे ओके कर लेना है। आप देख सकते हैं कि नीचे यू कैन सर्फ द इंटरनेट,
यानी कि हमारे पास इंटरनेट आ गया। अब स्टेटस पे जाएंगे, इन डॉट पे जोर देंगे, तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें स्टेटस देखना है। रिफ्रेश कर लेते हैं तो दोस्त आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड से हमारा नेट जो है कनेक्ट हो गया है, तो हमारा नेट बिल्कुल चल रहा है। इस पर जो है ना 2 MB का कनेक्शन है, तो इस पर स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। स्पीड टेस्ट दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं हम, इसमें और एक यूज़र कनेक्ट है, वो डाउनलोडिंग लगाई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो गया सेटिंग।